श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ सप्तमोध्याय भरत चरित्र। श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनीतल परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासन पर पंचजनीं विश्वरूपद्वितर मूपये मे तस्यामुह वा आत्मजान कार्स्नेनानुरूपानात्मनः पंचजन यामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शन मावरणं धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामेतद्वर्षं भारतमिति यतारभ्य व्यपदिशन्ति स बहु विन्महीपतिः पितृपिता महवद उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानः प्रजाः स्वधर्ममनु वर्तमानः पर्यपालयत इजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचहे श्रद्धया रताग्निहोत्रदर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमाना प्रकृतिविकृतिभिः नु स वनम चातुर्होत्र विधिना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि पाँच भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति राष्ट्रभ्रत सुदर्शन आवरण और धूम्रकेतु नामक पांच पुत्र हुए जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋतिजों के द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। संप्रचरस्तु नानायागेषु विरचितांग क्रियेष्व पूर्वं यत् क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणामर्थ नियामकतया साक्षात् कर्तरी परदेवताया भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मने पुण्यमृदितकषायो हविष्व धर्युभिग्रह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान पुरुषावयवेष्वभ्य ध्यायत एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्द्याकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभभवनमाला रीदर्गदादिभिरूपलक्षिते निजपुरुषल्लिखिते नात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिनु दिनमेधमानरया जायत एवं वर्षायुतसहस्रपर्यन्तावसितकर्म निर्वाणावसरोऽधिभुज्यमानं स्तवनयेभ्यो रिक्थं पितृपैताहमहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतास्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्रज्य
यत्र वाव भगवान हरिरध्यापि तत्रत्याना निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्योभयतो नाभिर्भिर्द्रश्चक्रेश्चक्रनदीनां सरित्प्रवरा सर्वत्र पवित्रो करोति। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धव्यू गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब उन्हें अंतर्यामी रूप में विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स कौस्तुभ वन माला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है, वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करते रहती है। यही शालिग्राम जी हैं जो इस नदी से प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तस्मिन् वाव किल स एकल पुलहाश्रमोपवन विविध कुसुम किसलय तुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश समीह मानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपव्रतो पशमः पराम निवृत्तिपमवाप तयेथ्य मविरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुतहृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नाम्युब्धिध्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ प्रवत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिलुप्त परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदा वगाढ़धीषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार इत्यं धृत भगवद व्रण व्रत एणे जायाजिन वाससानु सवन सवनाभिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठ ने तदुहोवाच परोरज सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं ग्रहाणं नृषदिंग गिरामिमः। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल आदि फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ
तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरतचरिते भगवत परिचर्चायां सप्तमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण।